हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना खुद का कस्टम फंक्शन डिजाइन करेंगे। जी हां, आपके एक्सेल के अंदर जैसे कि मेरे में है, यहां पे देखिए MUL टाइप करते हैं, यहां पे मल नाम से एक फॉर्मूला आ रहा है मल्टीप्लाई के लिए, तो आपके में ये नहीं आएगा। तो ये अब किस तरीके से काम करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे दो नंबर्स कोई भी आप एंटर करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये मल्टीप्लाई भी कर रहा है, लेकिन ये कस्टम फंक्शन हमने तैयार किया है, ठीक है। लेकिन आपके में फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट किया और यहां पे ये मल्टीप्लाई करने के लिए ये काम करता है। लेकिन कस्टम फॉर्मूला शायद आपने ना बनाया हो, तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कस्टम फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है, मैं आपको 2007 पे बताता हूँ क्योंकि 2007 ज्यादा आप लोग यूज करते हैं, बहुत लोग 2007 ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पे जाकर के और इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये एक्सेल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो इज इक्वल टू MUL टाइप करता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई का कोई भी फॉर्मूला फिलहाल तो शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये मल्टीनोमिनल फॉर्मूला है लेकिन मल्टीप्लाई का कोई भी फॉर्मूला है नहीं, तो हमें MUL नाम से ही फॉर्मूला फंक्शन जो है क्रिएट करना है। तो अभी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले अल्ट के साथ F11 प्रेस करना है ताकि हम VBA वाले विंडो पे आ जाएं। अब हम आ चुके हैं VBA वाले विंडो पर। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर मेन्यू बार, इसमें इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाकर के कहां जाना है, मॉड्यूल पे जाना है। ये मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा, इसी मॉड्यूल पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता है। अब सारी कोडिंग यही पे करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये कोड लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं function, फंक्शन लिख दिया हमने। अब हमें फंक्शन किस नाम से बनाना है, तो सपोज कीजिए हमें फंक्शन बनाना है MUL नाम से, मल्टीप्लाई के लिए MUL कर दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। पहला जो वेरिएबल है उसे हमने ले लिया num1, ठीक है, और इसे मैं डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी इसमें डेसिमल वैल्यूज भी आप एंटर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं num2 नाम से, और इसे भी हम एज डबल के ही नाम से रखेंगे, यानी डबल डेटा टाइप ही रखेंगे, ठीक है। ये डबल कर लिया और फिर एज डबल ही कर देते हैं, यानी अगर रिजल्ट भी आएगा तो ये जो है पॉइंट में आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसे डबल कर देते हैं, यहां पर आकर के ये हो गया डबल डेटा टाइप, ये ले लिया हमने एज डबल कर दिया। इसके बाद से क्या करना है, एंटर करना है, नीचे आना है। जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर चूंकि MUL के अंदर ही जाके सारी चीजें स्टोर होंगी, तो यहां पर लिख दिया है MUL, ठीक है, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहां पे लिखा num1 मल्टीप्लाई बाई num2, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब चूंकि दो ही नंबर हमने किए हैं तो दो ही नंबर ये मल्टीप्लाई करेगा, और इसको क्या करना है, यहां से चल के इसे सेव करना है, तो इसे अब सेव कर लेते हैं। तो न्यू फंक्शन के नाम से सेव करता हूं, न्यू फंक्शन, ठीक है। तो ये न्यू फंक्शन के नाम से ये सेव हो जाएगा, और जब सेव हो जाएगा तो इसे हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करके अब यहां आते हैं। अभी तक तो MUL नाम से कोई फंक्शन हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या पता आप दिखने लगे, तो M टाइप करते हैं और यू टाइप करते हैं, और जैसे ही टाइप करते हैं तो देखिए MUL नाम से आपको एक नया फंक्शन दिख भी रहा है। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, अब यहाँ पे जो भी आप देंगे ना, जैसे 5 कॉमा, और यहाँ पे क्या करते हैं 5.8 कर दिया, तो 5.8 दिया कितना होता है, 40 होता है, तो यहाँ पे आपका 40 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं MUL, फिर यहाँ पे लगाया हमने, और यहाँ पे इस बार 44 और 2 इसको जो है हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसमें इंप्लीमेंटेशन करना होगा, उस जो आपने फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बनाया है उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे हैश वैल्यू एरर आ जाएगा, लेकिन दो नंबर्स को तो आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये डेसिमल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर देगा, तो यहाँ पे फिर से MUL लगाते हैं, जो फंक्शन है हमारा ये लगा दिया। अब यहाँ पे डेसिमल लेते हैं 3.2, ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ 2.6 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इसको एंटर करेंगे तो देखिए 8.32 आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आंसर आ जा रहा है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, मान लीजिए इंप्लीमेंट करके और तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो आप तीन नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर चीजों को चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे दो लिया है तो अब यहाँ पर फिर कॉमा दे करके num3 भी लेना होगा, तो ये num3 किया हमने और num3 को एज डबल ही करेंगे, एज डबल DOUBLE, तो यहाँ देखिए डबल जो डेटा टाइप है वो आ रहा है, तो यहाँ पे ये ले लीजिए, ठीक है।
और यहां पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई नम थ्री कर दीजिए, ये हो गया। और ये करने के बाद अब इसको सेव कर दीजिए, तो ये सेव कर दिया। और सेव करने के बाद क्या करना है, अब इसको वापस से आना है। अब देखिए इसमें तीन नंबर्स को आप जो है मल्टीप्लाई कर पाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने फंक्शन, और यहाँ पे आप देखिए ये तीनों नंबर्स को ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है। देखिए तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी दो नंबर्स को चाहिए दो नंबर्स को कराइए, तीन नंबर्स को चाहिए तीन नंबर्स को कराइए। इस तरीके से ये कस्टम फंक्शन आप डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखने वाली है कि अगर तीन के लिए बना दिया तो क्या ये दो को नहीं करेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कैसे लगाते हैं, MUL लगाया, फोर लिखा, यहाँ पे सिक्स लिखा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हैश वैल्यू एरर आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दो के लिए बनाएंगे तो दो के लिए चलेगा। अब ये कैसे बनाएंगे कि वो कितने जितना भी हम यूजर चाहे उतना नंबर एंटर करे उतने को मल्टीप्लाई करके दे दे, इसके लिए आगे VBA का कोड मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।